तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी है आर नंबर 1992 मॉडल है और गाड़ी माशाल्लाह भाई ने दिल से बनवाई है। उस पर खर्चा जो किया हुआ है वो आप लोगों को भरपूर नज़र आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं मेहरान है, ओल्ड मॉडल, और माशाल्लाह गाड़ी जो इन्होंने मेंटेन की हुई है, इनको सलाम है हमारी तरफ से। गाड़ी का जो लुक है वो मैं आपको पूरा एक 360 इसको व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। गाड़ी का व्यू देखें, माशाल्लाह गाड़ी खड़ी हुई ऐसे लगती है जैसे 2018 मॉडल खड़ी हुई है, 17 मॉडल मेहरान। पूरी गाड़ी है, आप 360 देख लें इसका। ये पीछे से आप देखें जापानी डिक्की लगाई हुई है, बम्पर्स वगैरह। और मज़े की बात है, इस गाड़ी में पावर स्टेयरिंग भी लगा हुआ है और पावर विंडो भी लगी हुई है। तो गाड़ी का एक 360 आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, गाड़ी के आपको अंदर से दिखाते हैं। गाड़ी में भाई ने जो है वो सेंट्रल लॉकिंग भी लगवाई है। गाड़ी आप माशाल्लाह अंदर से भी देखें यार, हमारे जो कंपनी वाले हैं सुजुकी पाकिस्तानी, वो भी हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तानी सादी की गाड़ी को कैसा बना देते हैं। ये आप देखें, इसकी फिटिंग इस तरह से लग रही है जैसे ये कंपनी फिटेड होता है। और इसका वर्किंग प्रोसेस अगर हम आपको दिखाएँ तो चाबी लगाइएगा, इसका वर्किंग। अब इसकी स्पीड देखिए विंडो खुलने की, जैसे कंपनी वगैरह जैसे लगाती हैं करोला वगैरह, इस तरह से है। और माशाल्लाह गाड़ी के आप देख सकते हैं दोनों विंडो, वो कहा जाता है ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, तो बात सिर्फ यही है। अंदर से भी आप गाड़ी देखें, सीटें विड्स की लगाई हुई हैं। बैक सीट भी आप देख सकते हैं, न्यू मॉडल की छत लगाई हुई है भाई ने, ये आप देख सकते हैं। सीटें जो इसकी माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल हैं। भाई का कहना है कि ये इस पे तकरीबन कराची आते जाते रहते हैं और इनको ये गाड़ी जो है बहुत अच्छी तरीके से जो इनको माइलेज भी दे रही है, और गाड़ी जो है उसमें कभी कोई काम नहीं आया, शिकायत नहीं आई। एक दफ़ा का इन्होंने खर्चा किया है और माशाल्लाह गाड़ी का मीटर भी देख सकते हैं, मतलब फुल शौक किया हुआ भाई ने ना। तो भाई से आपको बात करवाते हैं, भाई से आपकी। तो किरियो सब क्या हाल है आपके? तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं किरियो भाई हमारे साथ हैं, और ये माशाल्लाह इनका बिजनेस कह सकते हैं आप, ये गाड़ियाँ लेते हैं, सेल करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, या किसी दोस्त के मॉडिफाई गाड़ी हो नवाबशाह में हो तो वो ये इनसे ले भी लेते हैं। जी बिल्कुल। तो गाड़ी के बारे में पूछेंगे सर, ये कैसे आपको शौक हुआ, या गाड़ी आपने बनी बनाई ली है, क्या सिस्टम था इसके पीछे? गाड़ी बस ये मैं कराची से बनवाता हूँ। अच्छा। और गाड़ी पुरानी लेके और उसको सारा सेट करना। नहीं माशाल्लाह, गाड़ी देखो, गाड़ी सेट करना और होता है, और गाड़ी को बिल्डअप करना जो है कंपनी की तरह। अब ये कोई भी देख के नहीं कह सकता कि ये जापानी गाड़ी नहीं है। हाँ, सब यही कह रहे हैं कि ये गाड़ी नया मॉडल है या ये 20 मॉडल है या जापानी है। मनु ये बोलता हूँ कि पाकिस्तानी, हमने इसको जापानी बनाया हुआ है। अच्छा, ये असल में ये भी किसी के अंदर टैलेंट होता है। तो सारी गाड़ी मैंने। अच्छा, ये गाड़ी कौन सा मॉडल है? ये गाड़ी ये 96। अच्छा, 96 मॉडल, सॉरी मुझसे मैंने 92 बोल दिया था। 96 मॉडल है। अच्छा, इस पे क्या क्या आपने करवाया? मैंने पूरी बॉडी को मना चेंज करवाया है। अच्छा, ठीक है। और पूरा ऑटोमेटिक शीशे ये वो फुल खर्च किया है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी का के लिए रखा हुआ था। गाड़ी का इंजन कैसा है? गाड़ी का इंजन माशाल्लाह VIP। अच्छा, हाँ। आप कराची से, आपके डेली रूटीन की गाड़ी है या और? मैंने शहर के लिए रखी है पर मैं कराची इस गाड़ी पे जाता हूँ। अच्छा, छोटी गाड़ी उधर खड़ी कर देते, कोई मसला नहीं, उधर निकलने में भी आसानी। और यार दूसरा ये कि गाड़ियाँ तो वैसे बहुत हैं, लेकिन ये जब गाड़ी आप निकालते हो तो लोग आपसे बहुत लोग खड़ा करके पूछते हैं, भाई गाड़ी बेच रहे हो? बेच रहा नहीं हूँ फिलहाल, तो मैं चला रहा था, लेकिन अभी मेरा मूड हो गया, मैंने दूसरी गाड़ी लू, दोबारा बनाएंगे, दूसरी बनाएंगे। अच्छा, सही। तो इस गाड़ी की आपने क्या रखी है प्राइस? मैंने इसकी रखी है 4 लाख।
अच्छा, अगर कोई हमारे चैनल के तवसुम से आपसे आता है तो आप उससे कुछ डिस्काउंट भी करेंगे या नहीं? इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे। अच्छा, अगर किसी भाई के जहन में कोई आपको पुरानी गाड़ी देता है मिसाल तौर पे, तो आप उसको बनवा के भी दे सकते हैं? बिल्कुल बनवा के दे सकते हैं। अच्छा, मतलब इसके लिए क्या कि पुराना मॉडल ऐसा बन सकता है या नया भी बन सकता है? नया भी बन सकता है, लेकिन नया एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। हाँ, वो काफी मतलब उसमें खर्च ज्यादा हो जाएगा। तो एक बजट मतलब अगर एक बजट गाड़ी ली जाए, जैसे एक गाड़ी बंदा लेता है मेहरान, तकरीबन मेरे हिसाब से शायद 1.5 लाख या 1,80,000 की मिल जाती है, तो उस पे कितना खर्चा होगा? ऑलमोस्ट कम से कम 1.5 लाख हो जाता है। मतलब देखो, 1.5 लाख की गाड़ी और 1.5 लाख खर्चा करो तो गाड़ी यार 3 लाख में तो ऐसी गाड़ी जहाज बन जाएगी ना सही, मिलती भी नहीं है यार ना। 3 लाख में ऐसी गाड़ी कंफर्टेबल नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिक चीजें और पावर सब नाम ही मुझे सर लग रहा है नाम ही बाकी तो आपने जापानी जापानी की है। बिल्कुल सही, शौक का कोई मोल नहीं होता। अच्छा, पार्ट्स आपने कहाँ से, कराची से लिए या बाहर से इंपोर्ट करवाए? कराची से सारे। अच्छा सही, सब चीज की कराची पड़ी। अच्छा सही, तो ये कलर जो आपने इस पे किया है ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस थी या आपने गाड़ियों से कोई आपका जहन था कि मैं ऐसी गाड़ी लेके बनाऊंगा या क्या था? ये मेरा कलर शौक था। अच्छा, हाँ शौक पे मैंने करवाया और बुक में भी मैंने यही कलर लगवाया हुआ है। अच्छा, बुक में भी यही लगवाया हुआ। अच्छा, लगवाया हुआ मतलब वो लीगल तरीके से? लीगल तरीके से, लीगल गाड़ी है, फाइल वगैरह, नंबर प्लेट ओरिजिनल, बुक वगैरह, टैक्स क्लियर, हर चीज गाड़ी। माशाल्लाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर व्यूअर्स, आप किरियो भाई से बात कर रहे थे। जी भाई, आप अपना नंबर भी बता दें व्यूअर्स को, ताकि कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो वो कर सकता है। फिर वो नंबर आप लिख सकते हैं, वैसे मैं बता दूं। बता भी दें आप। मैं फिर नंबर मेरा सर्वे चली किरियो नाम है, 0703586241 ये नंबर है मेरा मोबाइल। ठीक है, थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई गाड़ी के साथ आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग मेरा हालत भी देख रहे होंगे। मैं अपने काम से आया था तो मुझे एक गाड़ी देखी तो मुझे कहा चलो आप लोगों से शेयर करूं, काफी टाइम हो गया, वीडियो भी कोई अपलोड नहीं की थी। तो उम्मीद है आप लोगों को गाड़ी पसंद आएगी। तो मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप भी कह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।